बात है। जब हम साइंस को समझते हैं तब हम अल्लाह को समझते हैं। सल्तनतें आती और जाती हैं। किसने सोचा था कि जहाँ जहाँ ये लिखा होगा फिरदौस बर्रुए ज़मी अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, वहाँ जो है वो अंग्रेज़ वहाँ किचन बना लेंगे। हम बिहारियों के बारे में जो परसेप्शन क्रिएट होता है आउटसाइड बिहार, वो तभी बदलेगा जब हम किसी बाहुबली नेता की जगह एक पढ़े लिखे साइंस को समझने वाले फैसल रहमानी साहब जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज बिहार। साथियों, हिंदुस्तान में मुसलमानों के भी एक अलग मसाइल हैं, घरेलू मसाइल कहें या और सामाजिक मसाइल कहें, कई तरह की समस्याएं उनके बीच हैं। उन तमाम समस्याओं का निपटारा कैसे हो, खासकर शादी विवाह, तलाक, निकाह से संबंधित जो समस्याएं हैं उसका निपटारा कैसे हो, इसके लिए पूर्वी चंपारण जिले में दारुल कजा की स्थापना हो रही है। इमारत शरिया बिहार झारखंड उड़ीसा के अमीर शरीयत व मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हजरत मौलाना सैयद अहमद वली फैसल रहमानी साहब हमारे बीच मौजूद हैं। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम समस्याओं का समाधान कैसे होगा। मौलाना साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। दारुल कजा की स्थापना के लिए आप यहाँ आए हैं, क्या है दारुल कजा? दारुल कजा बेसिकली एक आर्बिट्रेशन सेंटर है जहाँ दो लोग जाते हैं और जा करके उनके बीच में मसलन अगर मियाँ बीवी और लड़ाई हो गई है तो वो जा करके वहाँ बातचीत करते हैं, और बातचीत में अगर ये बात समझ में आती है और दोनों अगर एक साथ रह सकते हैं तो उसी कोशिश की जाती है दोनों एक साथ रहते हैं, और अगर बात तलाक़ की आ गई है तो प्रॉपर इस्लामिक तरीके से तलाक़ का एग्जीक्यूशन हो जाता है। ठीक उसी तरीके से अगर दो लोग हैं और उनके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें झगड़ा हो गया है, और या फिर कोई वसीयत लिखी गई है जो वसीयत साफ़ नहीं है, जो इनहेरिटेंस है वो साफ नहीं है, तो इस आर्बिट्रेशन सेंटर में चूँकि लोग इस्लामिक साइंसेस जानने वाले लोग बैठे होते हैं वो बताते हैं कि एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या क्या होना चाहिए और उस पर लोग अमल करते हैं। बेसिकली ये एक आर्बिट्रेशन सेंटर है जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के थ्रू गवर्न होता है, ये दारुल कजा। तो इसमें कैसे आप लोग करें, कौन लोग सुनवाई करेंगे मामलों की, कौन लोग देखेंगे? इमारत शरिया इमारत शरिया के पास एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो लोग जो इस्लामिक डिसिप्लिन से आते हैं पढ़ करके, दारुल उलूम देवबंद से, नदवतुल उलमा से, जामिया रहमानी से, मज़ाहिरुल उलूम से वगैरह वगैरह तमाम मदारिस से जो बच्चे पढ़ करके आते हैं, जो आलिम बन करके आते हैं, जो फाजिल बन करके आते हैं, उन लोगों का फिर दो साल की और ट्रेनिंग होती है जिसमें इनको सिखाया जाता है कि आर्बिट्रेशन कैसे करते हैं और लोगों के मामलात को कैसे निपटाते हैं, कैसे लोगों की कैसे लोगों से बात करते हैं, कैसे एम्पैथेटिकली सुनते हैं एक दूसरे की बात को, और कैसे लोगों के बीच में पैचअप कराया जाता है। इन सब चीज़ों को सीख करके तब वो उनको दारुल कजा में भेजा जाता है ताकि वो लोगों के कम्युनिटी लेवल पर लोगों के मसले को हल कर सकें। क्या कोई शुल्क होगा या निःशुल्क सेवा होगी, कैसे इसकी सिस्टम है? बहुत मशहूर कहावत है, देयर इज़ नो फ्री लंच, ठीक है ना। लेकिन हम लोग दारुल कजा की भी एक सर्विस है, अलग अलग चीज़ों की एक बहुत ही मामूली सर्विस चार्ज है जो लोग देते हैं। तीन तलाक का मामला पिछले साल आया था, क्या है तीन तलाक का मामला एक साथ जो होता है, क्या उसमें शरीयत क्या कहता है, कोई सरकार का क्या रोल है, आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए तीन तलाक का मामला जो है वो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दे दिया है और हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोग उस फैसले की इत्तबा कर रहे हैं। शरीयत क्या कहता है इस मामले? शरीयत इस मामले में क्या कहता है, इसके लिए काजी शरीयत से बात करनी पड़ेगी, वो आपको ज़्यादा बेहतर बताएंगे। सरकार का जो रोल था इस मामले में कैसा, आप किस नज़रिए से देखते हैं? हम पूरी दुनिया को ये बात पता है कि सरकार ने इसमें क्या किया। सरकार ने एक सिविल लॉ को एक क्रिमिनल लॉ में तब्दील कर दिया है जो कि सही नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि जब इस चीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज किया जाएगा तो मेरा ख्याल ऐसा है कि इस लॉ को
में तरमीम की ज़रूरत पड़ेगी। तालीमी पसमानदगी बहुत ज़्यादा है समाज में, कौम के अंदर एजुकेशन की बड़ी कमी है, ये माशरिया या आपके स्तर से क्या कदम उठाया जा रहा है? ये बात बिल्कुल सही है कि ओवरऑल कम्युनिटी के लेवल पे हम लोगों के अंदर कम्युनिटी के लेवल पर मुसलमानों में तालीम की कमी, ये एक्चुअली एक इंडियन प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं। और मैं इसको इंडियन प्रॉब्लम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ पसमानदा लोग रहते हैं या वो लोग जो शहर से दूर रहते हैं, उमूमन उनकी तालीम ख़राब है, वहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है, वहाँ पे कॉलेजेस नहीं हैं, इसकी वजह से ख़राबी बहुत ज़्यादा है। और कुछ इलाकों में बिल्कुल भी नहीं है सरकारी स्कूल वगैरह, तो इस वजह से जो ख़राबियाँ हैं तालीम में वो हैं। लेकिन इमारत शरईया अब ये कर रही है कि हम लोगों ने ये सोचा है कि जहाँ तक पॉसिबल हो सके वहाँ एलिमेंट्री स्कूल को कायम किया जाए और बच्चों को तमाम तालीम दी जाए, यानी उनको कुरान भी पढ़ाया जाए और उनको हदीस भी पढ़ाया जाए, लेकिन उसके साथ साथ उनको यानी दूसरे लैंग्वेजेस भी पढ़ाए जाएँ और जो भी उनकी मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट है, मैं 4, 5, 6 साल के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जो भी मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन कहती है कि करना चाहिए स्टैंडर्ड्स बेस्ड एजुकेशन में, वो करना चाहिए। और ये तमाम काम इस्लामिक थॉट और इस्लामिक अंडरस्टैंडिंग के फ्रेमवर्क के अंदर करना चाहिए क्योंकि हम लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर इख्तियार है, जैसे और लोगों को इख्तियार है कि जैसे और मज़ाहिब को इख्तियार है कि वो अपने मज़हब को, अपने कल्चर को प्रोपेगेट करें, तो हम लोग इस काम में लगेंगे। किस तरह के स्कूल खोलेंगे, कहाँ कहाँ, कोई ऐसा प्लानिंग है, कोई योजना है? आइए कई महल्ले को मिला करके एक स्कूल खोलने का इरादा है जो छोटा स्कूल होगा और उसके बाद फिर हर ज़िले में एक रेसिडेंशियल स्कूल खोलने का इरादा है जो 6th-12th होगा। इसमें बड़ी दुश्वारियां हैं लेकिन हम लोग खोलने में, मैं ऐसा समझता हूं कि इंशाल्लाह कामयाब होंगे। फैसल रवानी साहब के वालिद वली रवानी साहब जो नहीं है, उन्होंने रमानी 30 शुरू किया था। रमानी 30 सुपर 30 की तर्ज पे था या वो दो, ये एक अलग वो है, लेकिन गरीब बच्चों को, लेकिन जो मेधावी हैं उनको इंजीनियरिंग की, मेडिकल की तैयारी कराने के लिए, और उसके कमाल के रिजल्ट आते हैं। लेकिन जो सबसे इम्तियारों भाई अभी जो हम बात कर रहे हैं, इस पूरे इंटरव्यू का जो सबसे दिलचस्प पहलू मुझे समझ में आ रहा है कि फैसल रवानी साहब अमेरिका से पढ़ कर आए हैं और आपके बारे में मैंने थोड़ी रिसर्च की, तो आपका भी मदरसा नहीं गए, आपने बहुत हाई, लेकिन पता नहीं ये रिपोर्टिंग है आपके। नहीं, मैंने इब्तदाई तालीम मदरसे में ही हासिल की, जामे रहमानी में, इसका मैं वहीं रहता था। अच्छा जी। उसके बाद ये अमेरिका गए, वहाँ पर पढ़ाई की, आईटी की पढ़ाई की, वहाँ पर नौकरी भी की आपने कई जगहों पर, और अब वो बिहार आ गए हैं, अपने घर आ गए हैं, घर वापसी हुई है, तो इनके पास बहुत सारे ड्रीम्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं जिसको वो चाहते हैं कि ग्राउंड पर उतारे। अभी बात भी हुई स्कूल खोलना और इस तरह की चीज़ें। सियासत पर आपकी क्या, बिहार की सियासत पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये इंटरव्यू जो है वो इमारत शरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इमारत शरिया का सियासत से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इस तरह से नहीं है। इमारत शरिया का काम मुसलमानों को मुनज़्ज़म करना है और मुसलमानों की पहचान को, यानी उसको बढ़ाना है, उसको, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं मुसलमानों के अंदर वो उसमें तरक्की देनी है। ये सब काम इमारत शरिया का है। और मेरा पर्सपेक्टिव एग्जैक्टली यही है, मैं इन कामों को तरजीह देता हूँ। सियासत सच अभी इमारत शरिया का कोई वो नहीं। सर, एक मतलब जब आपने ये बात की कि मुसलमानों में जो अच्छाइयाँ हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, उसको आप बढ़ाएं, उसको सामने लाएं, क्योंकि इस वक्त पूरा खेल जो है समाज से लेकर सियासत तक परसेप्शन का चल रहा है, सब कुछ परसेप्शन पे है, तो इस कम्युनिटी को लेके भी एक परसेप्शन क्रिएट किया जाता है मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर, उस परसेप्शन से कैसे लड़ेंगे आप? उस परसेप्शन से लड़ने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है अवेयरनेस कैंपेन, एजुकेशन एंड अवेयरनेस। मसलन
अभी मैं देख रहा था कुछ दिनों पहले जो है फर्टिलिटी रेट के बारे में बात हो रही थी और मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं उस सिलसिले में बात हो रही थी। जहाँ जहाँ तालीम है वहाँ वहाँ फर्टिलिटी रेट कम है। कश्मीर में फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.6 है जबकि रिप्लेसमेंट रेट जो है वो 2.1 है आई थिंक। ठीक उसी तरीके से लक्षद्वीप में जहाँ तक मुझे याद है 1.9 है, वहाँ 95% मुसलमान हैं। तो ऐसा नहीं है कि फर्टिलिटी रेट का ताल्लुक गरीबी से और एजुकेशन से। अगर वाकई हुकूमत चाहती है, जो कि मेरा ख्याल है कि हर हुकूमत चाहती है कि उसके सिटीजन्स पढ़े लिखे हों, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि लोगों को पढ़ाएं लिखाएं और इन सब बहस में पढ़ने के बजाय पढ़ाएं लिखाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, हिंदुस्तान ज़्यादा कामयाब। तो एक चीज़ सर पढ़ाई लिखाई से ही जुड़ा हुआ है, एक बात पढ़ाई लिखाई से ही है कि अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे कई बार बातचीत हम लोगों की हुई, तो वो कह रहे हैं कि हम साइंटिफिक एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। आपने भी अपनी बात कही, तो कैसे करेंगे साइंटिफिक एजुकेशन? जैसे मदरसों में अभी भी बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो जब तक मदरसों का एडवांसमेंट नहीं होगा, वहाँ पे साइंस की आमद नहीं होगी, तो एक जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो इस कम्युनिटी के बच्चों में शुरुआत से ही कैसे जाएगी? बहुत सही, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं इसको एक आपसे पूछना चाहता हूँ कि मदरसे में कितने परसेंट बच्चे जा रहे हैं? ये डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन जी ओवरऑल मुसलमानों में 3.5 सौ में 3.5 बच्चे मदरसे में जाते हैं और 96.5 वो और जगह पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि मदरसे में साइंटिफिक तालीम नहीं होनी चाहिए, साइंस की तालीम नहीं होनी चाहिए, ऑन द कॉन्ट्ररी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको सिर्फ डेटा पॉइंट्स ये बताना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा ये परसेप्शन है जो क्रिएट किया जाता है मदारिस के खिलाफ। मदरसे का सिंपली मतलब स्कूल होता है, मदरसे का मतलब स्कूल है और अरबी में, और मदरसा स्कूल। लेकिन जो बात होती है वो ये कि इसमें क्या तालीम दी जा रही है। तो एक तालीम थी जो चली आ रही थी जिसने जंग आज़ादी में बहुत काम किया और पूरा मोबिलाइजेशन अंग्रेज़ों के खिलाफ मदारिस से हुआ, लेकिन चीज़ें डेटेड हो गई, ये बात बिल्कुल सही। अब उसके बाद ये बात अब जो है हम लोगों को नए ज़माने के हिसाब से ये देखना होगा कि हम लोग जो इस्लामिक एजुकेशन देते हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में साइंस की एजुकेशन भी दी जाए, और वो दी जाएगी इंशाल्लाह। सरकार की तरफ से इसमें कोई मदद आपको या आपकी संस्था को? मेरा ख्याल है कि सरकार के प्रोजेक्ट बड़ा है या सरकार से मेरी अभी कोई बातचीत इस सिलसिले में नहीं हुई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि सरकार खुद इस सिलसिले में काफ़ी काम कर रही है। आपने अभी बताया कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड में चेयरमैन साहब ने कहा है कि वो साइंटिफिक एजुकेशन लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो उर्दू में इन चीज़ों को ला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ जो कमी है वो टीचर्स की ट्रेनिंग की बेपनाह कमी है। टीचर्स अभी ट्रेंड नहीं हैं कि वो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा सकें और उसको उस तरह समझा सकें जिस तरह समझाया जाना चाहिए। एक बहुत बड़ी कमी है टीचर्स के ट्रेनिंग प्रोग्राम में। मैं अगर हुकूमत मुझसे पूछेगी कि एक वो जगह जहां पेन पॉइंट सबसे बड़ा है वो है टीचर्स ट्रेनिंग। अगर टीचर्स ट्रेनिंग को सही कर दिया जाए और तो मैं समझता हूं कि बहुत कम रिसोर्स में टीचर्स बहुत मार्वलस काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने और इंतज़ारुल भाई ने फैसल रहमानी साहब से बातचीत की, इनका पूरा का पूरा फोकस एजुकेशन साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने कौम के लोगों के बीच जगाना है। विद इन ब्रॉडर इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट इसको एलोबरेट करेंगे। देखिए हमारा मानना ये है कि दुनिया अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने इंसान को बनाया। अब साइंटिफिकली इस पर जितनी बहस हुई और बात है, ये मान्यता की बात, हम ऐसा आस्था की बात, और हमारी आस्था जो है ये लॉजिकल थिंकिंग से भी ड्राइव होती है। हमारे पास हम ऐसा समझते हैं कि हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो जब हम इसको प्रूव कर सकते हैं और जब हम इसको बिलीव करते हैं, तो हमारा मानना है कि ग्रेविटेशन जो है वो न्यूटन ने डिस्कवर किया था, न्यूटन साहब ने बनाया नहीं था, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। तो
तो एक फॉल्स जंग है जो क्रिएट की गई है बिटवीन साइंस एंड गॉड। वो जंग है नहीं, एक फॉल्स परसेप्शन है जो क्रिएट किया गया है हम लोगों के पर्सपेक्टिव से। तो जो ओवरऑल अम्ब्रेला है वो रिलीजन का है, वो इस्लाम का है। जितनी भी एजुकेशन है, वो जितनी भी साइंटिफिक जो मटेरियल साइंस के जो भी साइंसेस हैं, हम लोग उनको कहते हैं वो आयात हैं अल्लाह की, वो दे आर साइंस ऑफ अल्लाह। अब वो जो साइन है उसको समझने की बात है। जब हम साइंस को समझते हैं तब हम अल्लाह को समझते हैं। तो तमाम साइंस साइंटिफिक एंडेवर जो है वो अल्लाह को समझने का एंडेवर है। इसलिए हम ये समझते हैं कि पूरी तालीम इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट साइंटिफिक एजुकेशन अगर इस्लामिक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में होगी तो मुसलमानों की मिस अलाइनमेंट नहीं होगी। हम ये कह रहे हैं, आप एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि अल्लाह को समझना है तो साइंस को समझो। जी हाँ, मैं साइंस के थ्रू, यानी एक वो चीज़ है, एक जिस तरीके से एक ज़माने में लिटरेचर के थ्रू लोग अल्लाह तक पहुँचते थे, एक ज़माने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कलाम पर बहुत वो था और लोग बात करते थे और शायरी करते थे और उसके थ्रू अल्लाह को समझने की कोशिश करते थे, और पूरी दुनिया में वैसा हो रहा था। आज के ज़माने में साइंस वो चीज़ है, और साइंस जो है कुरान इसके बारे में कहता है कि जाओ जाके देखो अल्लाह ने क्या बनाया, उस पर तदब्बुर करो, उस पर गौर करो। तो किस आप जो साइंस को इतनी तवज्जो दे रहे हैं इस वक्त, मैं एक छोटी सी हिस्ट्री से एक चीज़ कोट करना चाहता हूँ कि स्पेन में अरब साम्राज्य एक समय स्थापित हुआ था, बाद में वो ध्वस्त हो गया क्रिश्चियनिटी ने वहाँ। तो क्या इसके पीछे भी ये वजह थी, ऐसा माना जाता है हिस्ट्री में कि धीरे धीरे जब अरब साम्राज्य साइंस को पीछे छोड़ता गया तो उसकी जो ताकत थी वो कम होती गई। तो क्या वो चीज़ ड्राइव कर रही है आज भी कि साइंस में कहीं ना कहीं हम पिछड़े, इस वजह से बाकी चीज़ें खराब होती चली? एक्चुअली इसका जस्ट ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट दिया है, मैं नाम भूल रहा हूँ, वाशिंगटन डीसी में बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, क्या नाम, सैमुअल हंटिंगटन, नहीं नहीं नहीं, बहरहाल उन्होंने इसका ऑपोजिट दिया है कि जो मुसलमान खुलफा की जीत के पीछे एक रीज़न ये था कि उन्होंने बड़ी हद तक साइंस को छोड़ दिया और वो जंगजू हो गए। हालांकि ऐसा ये मुझे लगता उल्टा है, ये उल्टा है। तो देखिए, सल्तनतें आती हैं और जाती हैं। किसने सोचा था कि जहाँ ये लिखा होगा फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्त अमी अस्त अमी अस्त अमी अस्त, वहाँ जो है वो अंग्रेज वहाँ किचन बना लेंगे। किसी ने सोचा था नहीं, ये लाल किला दिल्ली में, ठीक है ना, तो ये किसने सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। तो बहुत ढेर सारे वेरिएबल रीजंस हैं उन लोगों के वहाँ से ख़त्म हो जाने के, लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में ये ज़रूरी है कि हम लोग जो अभी के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको उस तरह देखें जिस तरह हमारी इस्लामिक थिंकिंग कहती है कि उसको देखना चाहिए। जी, ये बहुत कमाल की बात निकली कि अल्लाह को जानना है, भगवान को समझना है, तो आपको विज्ञान को भी समझना पड़ेगा, या वो एक जरिया है कि आप वहाँ तक अच्छे से समझें। देखिए, ये बिहार के लोगों, चूँकि हम बिहार के चैनल हैं फाइनल पोस्ट, तो बिहार की बात करते हैं, तो बिहार के मुस्लिम युवाओं से एक अपील नुमा बात हम कहना चाहते हैं कि आप भी सोच समझ के अपना रोल मॉडल तय कीजिए। कई बार इंतजारुल भाई, अभी कुछ दिन पहले जब रोल मॉडल कुछ लोगों ने कुछ तय किया तो एक वार चला, लेकिन आपके बीच इस वक्त अमेरिका से आईटी का एजुकेशन लेकर, आईटी का पूरा एकदम ज्ञान लेकर फैसल रहमानी साहब जब यहाँ आते हैं और साइंस की बात करते हैं, पूरी बातचीत जो आपने सुनी, तो अब आपको तय करना है कि आपके रोल मॉडल क्या है, पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी, नहीं होगी, वो धीरे धीरे एक प्रोसेस है, आता रहेगा। लेकिन अपने, मैं बार बार कहता हूँ ये चीज़ कि बिहार अपने नायकों को पहचानने में भूल करता है या लेट करता है, ये गलती ही हमें, हमारे बारे में, और सिर्फ कौम ही नहीं, हम बिहारियों के बारे में जो परसेप्शन क्रिएट होता है आउटसाइड बिहार, वो तभी बदलेगा जब हम किसी बाहुबली नेता की जगह एक पढ़े लिखे साइंस को समझने वाले फैसल रहमानी साहब जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाए। नमस्कार, देखते रहिए फाइनल पोस्ट।